दो जुड़वा बहनों की एक ससुराल में पहली नवरात्रि। एक बहुत ही गरीब औरत जो बहुत ज्यादा परेशानी में लग रही थी, वह गर्भवती थी और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह दर्द से तड़पते हुए हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रह जाती है और वह दर्द के मारे वहीं लेट जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अब हॉस्पिटल कैसे जाऊं? मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। तभी वहां से कुछ किन्नर जा रही होती हैं, जिनकी नजर उस बेबस औरत के ऊपर पड़ जाती है। वो सभी किन्नर उस औरत के पास जाती हैं और उसकी मदद के लिए उसे उठाकर अस्पताल लेकर पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब, इस बेचारी औरत और इसके बच्चे को बचा लीजिए। पता नहीं कौन लाचार बेबस है, इसके इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो मैं आपको दूंगी। वह किन्नर औरत हॉस्पिटल में पैसे जमा कर देती है, जिसके बाद कौशल्या को फौरन ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद ओपीडी से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। तभी वह किन्नर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, वो औरत और उसका बच्चा तो ठीक है ना? वो औरत भी ठीक है और उसके दो जुड़वा बेटियां हुई हैं। आप चाहो तो मिलकर आ सकती हो। किन्नर उस औरत के पास जाती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरी दोनों बेटियां सही सलामत हैं। ये कुछ पैसे रख, ये तेरे आगे के काम आएंगे। चल अब मैं चलती हूँ। वो किन्नर औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद कौशल्या अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को लेकर अस्पताल से चली जाती है। उसका ना कोई घर था और ना ही कोई परिवार। एक दुर्घटना के कारण उसका पति भी भगवान को प्यारा हो चुका था, जिसके चलते वह दुर्गा माँ के मंदिर पहुंच जाती है। मेरा तो इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है और ना ही मेरे पास कोई अच्छी नौकरी है, जिससे मैं अपनी इन दोनों बेटियों की परवरिश कर सकूं। कौशल्या अपनी दोनों बेटी को देखती है। दोनों दिखने में एक जैसी ही थी, पर उसे अपनी बेटी पे बहुत प्यार आता है। पर कौशल्या के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते वह अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद उस मंदिर से एक बहुत ही अमीर औरत उतरकर नीचे आ रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों बेटियां यहाँ पर किसने छोड़ दी? आजकल तो किसी के अंदर दया भावना ही नहीं है। यहाँ मुझे औलाद नहीं हो रही है और इधर लोगों को अपनी औलाद की जरा भी परवाह नहीं। समीक्षा बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन वहां उन बच्चों को लेने कोई नहीं आता। तभी समीक्षा को गोरी वाली लड़की बहुत प्यारी लगती है, जिसके चलते वो उसे गोदी में उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके वहां से जाने के बाद वहां एक गरीब औरत आती है, जो लोगों के घर में काम करके अपने परिवार को चलाया करती थी। उसकी नजर उस काली लड़की पर पड़ती है। ओहो, देखो तो सही, किसी को भी अपनी औलाद की परवाह नहीं है। कैसे छोड़कर जा सकता है कोई अपनी औलाद को? अरे बच्ची, चुप हो जा बच्ची। ललिता भी उस बच्ची को उठाकर सीने से लगा लेती है। ललिता को भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके चलते वो भी खुशी खुशी उस लड़की को अपने घर ले आती है। ललिता, ये बच्ची किसकी है? क्या बताऊं जी, पता नहीं कौन सी बेबस माँ होगी या क्या मजबूरी होगी उसकी, जिसने अपनी औलाद को दुर्गा माँ की मंदिर की सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। इस बेचारी की कितनी बुरी किस्मत है, लेकिन मैं इसकी किस्मत को खराब नहीं होने दूंगी। कम से कम इसे माँ और आपका प्यार तो जरूर मिलेगा। ये दुर्गा माँ का संकेत है, हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अब ये हमारी बेटी बनकर बड़ी होगी और इसे हम हकीकत के बारे में कभी नहीं बताएंगे। दामोदर और ललिता बहुत खुश होते हैं और उस बच्ची को अपना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ समीक्षा अपने घर पर उस सुंदर सी और गोरी सी बच्ची को लेकर पहुंच जाती है और अपने पति से कहती है, इतने समय से हम लोग बच्चा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखो आज तक हम बच्चा अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। और ये देखो, ये मुझे दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। कितनी प्यारी बच्ची है, आज से ये हमारी बेटी है। तुम इसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकारती हो तो मेरे को भी ये मेरी बेटी के रूप में स्वीकार है। इसे मैं वो सारी खुशियां दूंगा जो हम अपने बच्चों को देते हैं। इस प्रकार दोनों जुड़वा बहनों का नसीब अलग अलग परिवारों में चला जाता है। गोरी को अमीर खानदान मिल जाता है, तो वहीं काली को गरीब लेकिन प्यार प्रेम से भरा हुआ परिवार मिलता है। दोनों की परवरिश उनके परिवार के हिसाब से होती है और अब वह दोनों बड़ी हो जाती है। बेटी के बड़ी होने के बाद अब उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचते हैं। हमारी बेटी इतनी बड़ी कब हुई, हमें तो पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हें पता है समीक्षा, मेरे एक दोस्त है, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वही उसका एक बेटा भी है, बहुत सुंदर है।
क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी मेरे दोस्त के बेटे से कर दे, बिजनेस के साथ साथ रिश्तेदारी भी बढ़ेगी। अभी तक श्रेया के बारे में जितना भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, और मैं जानती हूँ आप आगे भी अच्छा ही करोगे, तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। विनोद समीक्षा की बात सुनने के बाद अपनी बेटी का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर देता है, जिसके बाद श्रेया शादी करके अपने पति विक्रम के घर पहुंच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ललिता ने भी अपनी काली बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया था, और वहीं कॉलेज में आराध्या एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम अनिकेत था। आराध्या, तुम्हें पता है मेरे घर पर मेरी भाभी आ चुकी हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भी शादी करके सेटल हो जाएं। लेकिन अभी तो मैंने अपने माता पिता को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया है। मेरे माता पिता अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो हमारी शादी के खिलाफ जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे शादी मंदिर में करना चाहता हूँ, उसके बाद हम सबको बता देंगे और सब हमें स्वीकार भी लेंगे। अनिकेत की बात मानकर आराध्या उससे शादी कर लेती है। सबसे पहले वह अपने माता पिता के घर जाती है और उनसे आशीर्वाद ले लेती है, जिसके बाद अनिकेत उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां अनिकेत की माँ उसे अपने सामने देख हैरान रह जाती है। कौन है ये काली कलूटी लड़की, कहाँ से लेकर आया है? जहाँ से लेकर आया इसे वहीं छोड़ के आ, इस घर में इस लड़की की कोई जगह नहीं है। ये मेरी पत्नी है और आज से इस घर की बहू भी है, आज से ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी, और अगर आपको मेरी पत्नी से कोई दिक्कत है तो ठीक है, हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो आराध्या, चलते हैं। अपने सामने अपने बेटे को जाते हुए देख सविता की ममता उमड़ आती है और वह उसे रोक लेती है, जिसके बाद वह ना चाहते हुए भी अपनी काली बहू को घर में प्रवेश दे देती है। पहले दिन से ही सविता और उसकी बहू श्रेया बेचारी आराध्या के ऊपर अत्याचार करने लगती हैं। आजकल की लड़कियों ने तो ये धंधा ही बना के रखा है, अमीर लड़का देखा नहीं और उसे फंसा लिया, इन मैडम ने भी अपनी गरीबी का फायदा उठाकर हमारे भोले भाले देवर को फंसा लिया। सही कहा बहू तुमने, आजकल की लड़कियों ने तो यही अमीर होने का धंधा बनाया है। जेठानी और अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर आराध्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह किसी की बातों का बुरा नहीं मानती है। कुछ ही दिनों में दुर्गा माँ की नवरात्रि आ जाती है और वह सच्चे मन से और पूरी भक्ति के साथ घर में नवरात्रि रखती है, लेकिन श्रेया उसे घर से भगाने के लिए घर में मांस मछली ले आती है और उसी के सामने खाने लगती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आराध्या की भक्ति में जरा भी फर्क नहीं आता, और वह सच्चे मन से दुर्गा माँ के पूरे 9 नवरात्र रखती है, और आखिर के व्रत में वह 9 कन्या को खिलाने के लिए भोजन बनाती है, लेकिन उसमें भी सविता और श्रेया चूहे मारने की दवाई मिला देते हैं। मैं भी देखती हूँ इसकी भक्ति कैसे पूरी होगी, जब सबके माता पिता अपने बीमार बच्चों को लेकर इसके सामने आएंगे तो इसे जेल हो जाएगी और ये इस घर से भाग जाएगी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो रही होती हैं, जिसके बाद प्रसाद खाते ही सभी बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर बेचारी आराध्या से उन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और वह दुर्गा माँ से रोते हुए प्रार्थना करती है। माँ मेरी मदद करो, इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए वरना जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर कलंक लग जाएगा। आराध्या के इतना कहते ही दुर्गा माँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं और अपनी शक्तियों के चलते सभी बच्चों को ठीक कर देती हैं। तभी दुर्गा माँ को स्वयं सामने देख श्रेया और सविता हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद दुर्गा माँ उन दोनों से कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो बहुत सही था? तुम्हें पता है श्रेया, आराध्या तुम्हारी ही जुड़वा बहन है, तुम दोनों एक ही माँ की बेटी हो, और जिन परिवारों में तुम बड़ी हुई वह परिवार तुम्हारा नहीं है। श्रेया अपनी बहन के साथ जो तुमने किया वह माफी के लायक नहीं, और सविता तुमने मेरी भक्त के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगी। दुर्गा माँ गुस्से में आ जाती हैं और उन्हें सजा देने ही वाली होती हैं। कितने में आराध्या दुर्गा माँ के सामने आ जाती है और कहती है, दुर्गा माँ मुझे जितना मिला मैं उतने में खुश रही, और अब जब मुझे मेरी बहन मिली है तो मुझे उससे जुदा मत कीजिए, मैं माफ कर चुकी हूँ, इन्हें सजा मत दीजिए। आराध्या ऐसा कहकर अपनी बहन और अपनी सास को बचा लेती है, जिसके बाद दुर्गा माँ उन्हें सजा देने से रुक जाती है और वहां से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वह अब आराध्या के साथ एक
परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। किरण अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। वैसे तो किरण के परिवार वाली अमीर थी, लेकिन फिर भी किरण उन सभी के बीच रहकर खुश नहीं थी। माँ मैं कॉलेज जा। बस इधर को आ जा, मैंने बोला था ना कि तू महीने में सिर्फ एक बार कॉलेज जाएगी। माँ मेरे एग्जाम आने वाले हैं, कम से कम मुझे महीने में 3 दफा कॉलेज जाना होगा। बस कोई जरूरत नहीं है एग्जाम वगैरह की, इतनी टेंशन लेने की। वैसे भी कौन सा तुझे एग्जाम पास करके मंत्री ही बनना है। माँ आप मेरे ही साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अगर भैया पूरे महीने लगातार भी कॉलेज जाएंगे तब भी आप उनसे कुछ नहीं कहोगी। क्योंकि राजीव लड़का है और आगे को हमें वो ही संभालेगा। समझी, तेरी क्या है, तू तो बेवजह ही हमारे पैसे को बर्बाद करवा रही है। शकुंतला ने बिना वजह ही किरण को बहुत बातें सुनाई। वो लोग अमीर तो थे लेकिन उनकी सोच निहायत ही छोटी थी। इसी वजह से दोनों माँ बाप अपनी ही बेटी और बेटे में फर्क किया करते थे। शकुंतला ने अपने बेटे को तो एक आजाद पंछी की तरह छोड़ा हुआ था और बेटी के पैरों में मानो बेड़ियां बांधी हुई हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किरण बड़ी मुश्किल से महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही अपने कॉलेज जाती थी और आज भी किरण अपने कॉलेज ही आई हुई थी। अरे नहीं, हमारा क्लासरूम चेंज कब हो गया? किरण सारे कॉलेज में घूमने लगी, उसे उसका क्लासरूम ही नहीं मिल रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि बीबीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास कहाँ चल रही है? नहीं, दरअसल मैं भी बीबीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई, पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी एक जगह बची हुई है, चलिए हम वहीं चलकर देखते हैं। साहिल और किरण एक साथ अपना क्लासरूम ढूंढने लगे और कुछ देर बाद उन्हें वो मिल भी गया। आखिरकार हम कामयाब हुए। शुक्रिया, मैं तो इस रास्ते के बारे में जानता ही नहीं था। कोई नहीं, जल्दी से अंदर आ जाइए वरना हमें बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल पाएगी। साहिल और किरण अंदर चले गए। अंदर सारी सीटें खचाखच भरी हुई थीं। किरण को कोने में एक सीट खाली पड़ी हुई दिखाई दी। साहिल और किरण वहीं उस सीट पर ही बैठ गए। आप पहली बार कॉलेज आई हो? नहीं। तो फिर आप खो कैसे गई? वो मैं बहुत कम आ पाती हूँ। अच्छा, वैसे इतना कम कॉलेज आने से कोई फायदा नहीं है। जानती हूँ, पर छोड़िए, क्या आप पहली बार आज ही आए हो? ऐसा ही कुछ। आपका नाम? साहिल। और आपकी पहचान? किरण। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना नाम बता दिया और ऐसे ही बातों बातों में साहिल और किरण के बीच दोस्ती हो गई। साहिल, तुम्हारे साथ बातें करते हुए टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे भी। क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? देखो मुझे गलत मत समझना, दरअसल मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है तो मैं कॉलेज रेगुलर नहीं आ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा नंबर मेरे पास होगा तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। साहिल ने किरण को अपना फोन नंबर दे दिया। अब से किरण को बिना कॉलेज जाए भी साहिल से सारी जानकारी मिल जाया करती थी और इसी बहाने उनकी दोस्ती भी पक्की हो गई। और इस सब के बीच साहिल किरण के घर के माहौल को भी समझ चुका था। साहिल, माँ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। कोई नहीं। किरण के सिर्फ बातों से ही साहिल उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। अब साहिल हर रोज किरण से बातें करता और उसे खूब समझाता। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल कॉलेज आऊंगी तो तुम सारी बातें मुझे कॉलेज में ही समझा देना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन किरण कॉलेज चली गई। साहिल किरण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। किरण के कॉलेज आने पर साहिल ने ब्रेक टाइम में किरण को प्रपोज कर दिया। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ किरण, प्लीज क्या तुम मुझसे। ये सब क्या है साहिल, तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते हो। जानता हूँ, और मैं तुम्हें उन्हीं बेड़ियों से आजाद करना चाहता हूँ। किरण, एक दिन तो तुम्हारी माँ तुम्हारी डोली को उठवा ही देगी, तो वो डोली मेरे आंगन में नहीं आ सकती है क्या? साहिल, सब कुछ छोड़ो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? किरण ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी और चेहरे की लाली ने सब कुछ बयां कर दिया था। प्लीज किरण, जमाने का डर भूल जाओ और अपने दिल की सुनो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। किरण भी साहिल को मन ही मन पसंद करती थी और ये सब कुछ सुनकर उसकी भी फीलिंग्स जाग गई और किरण ने साहिल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन दोनों ने बाहर ही बिना किसी से पूछे एक मंदिर में शादी कर ली। मुझे ऐसी अच्छा नहीं लग रहा है साहिल, मैं अपनी माँ को ये सब कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। किरण साहिल को अपने मायके ले गई, जहाँ किरण की शादी की खबर सुनकर उसका भाई और माँ बाप आग बबूला हो गए। तेरी ये मजाल जो तू लड़की होकर अपनी मनमानी करे। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। ऐसे बोलकर राजीव जोर से थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा कि उसका हाथ साहिल ने पकड़ लिया। खबरदार, जो किरण को किसी ने हाथ भी लगाया तो
सभी मेरी पत्नी से दूर हट जाओ। चलो किरण। साहिल सभी के मुंह पर तमाचा सा मारते हुए किरण को अपने साथ अपने घर ले आया। वैसे तो साहिल मुस्लिम था, लेकिन उसके घर में सभी काफी मॉडर्न सी सोच रखते थे। किरण को देखकर भी किसी ने गुस्सा नहीं किया। आफताब जी, नजमा, जरा देखो तो सही, आपका बेटा किसे लेकर आया है? माँ, ये किरण है। जानती हूँ, ये वही लड़की है ना जिसकी तू सारा सारा दिन बातें किया करता था। सच में बहुत ही प्यारी है। आओ बेटा, अंदर आओ। एक मिनट, तुम मेरी बहू हो। नजमा, अपनी भाभी का वेलकम करवा। जी। नजमा एक कलश में चावल भर कर ले आई। हमें ठीक से तो नहीं आता, पर हमने जैसे फिल्मों में देखा है वैसे आपका गृह प्रवेश करवा देंगे। किरण अपने मुस्लिम ससुराल वालों को ऐसे करते देख काफी खुश हो गई और गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में सभी उसे बिल्कुल अपनी ही बच्ची की तरह प्यार करते थे। अरे किरण, कहाँ जा रही हो? कॉलेज नहीं जाना है? माँ, क्या मैं कॉलेज? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा पति पढ़ रहा है, ननंद पढ़ रही है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम आज से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मायका कैसा था, क्योंकि अब तुम मेरी बच्ची हो। अपनी सास की बातें सुनकर किरण की आंखें भर आई। वो किरण को ऐसे ही हर बात में सपोर्ट करती थी। अपने मायके में किरण जिन चीजों के लिए तरसती थी, वो सब कुछ उसे उसकी ससुराल में करना नसीब हो रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे मायके से भी ज्यादा अच्छा ससुराल मुझे मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किरण अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी कि एक दिन उसके पास उसकी माँ का फोन आया। मेरी बच्ची। क्या हुआ माँ? आप? तेरे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तू घर आ जा। किरण घबराकर साहिल के साथ अपने मायके पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके भाई ने आवारगी के चक्कर में अपने बाप का पूरा बिजनेस ही डुबा दिया, जिसकी वजह से किरण के परिवार वाले बहुत परेशान थे। फिक्र मत करो माँ, आपकी बेटी अभी जिंदा है। साहिल, प्लीज मेरे माँ बाप की थोड़ी मदद कर दो। ये मेरे भी अम्मी अब्बू हैं, मैं जरूर मदद करूंगा। साहिल ने अपने बैंक से कुछ पैसे अपने सास और ससुर को दिए। आज किरण के माँ बाप की ये गलतफहमी दूर हो गई थी कि बेटियां पराई होती हैं। उन सभी ने ही किरण से माफी मांगी और फिर किरण अपने माँ बाप की मदद करके घर लौट आई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।